नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा। आपने यकीनन एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम रेगुलर केमिकल शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं, बाल बहुत अच्छे क्लीन तो हो जाते हैं और बाउंस भी बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन मुसलसल इस्तेमाल से हमारे बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, यानी बालों की एक्सटर्नल लेयर डैमेज हो जाती है और इन द रिजल्ट प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, स्प्लिट एंड्स और हेयर डलनेस एंड रफनेस। ये तमाम प्रॉब्लम्स हमारे बाल फेस करते हैं एंड डेफिनेटली ये दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। और हर्बल शैम्पूस अगर हम मार्केट से लें तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं और अगर हम घर में बनाएं तो काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, और जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बालों में वो बाउंस नहीं आता जिसकी हमें आदत है। सो आज हम अपने केमिकल शैम्पू को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ हर्बल शैम्पू में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ताकि हम इस्तेमाल करें तो हमारे बालों की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, बालों को नरिशमेंट भी मिले और इसके साथ साथ वो बाउंसी इफेक्ट भी हमारे बाल ज़रूर एक्सपीरियंस करें। हर्बल शैम्पू के लिए हमें चाहिए कोई भी रेगुलर शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं, हाफ बॉटल, राइस 2 टेबलस्पून, क्योंकि इस रेमेडी में हम राइस वाटर इस्तेमाल करेंगे और डेफिनेटली उसके लिए हमें राइस की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, एलोवेरा जेल, चाहे आप फ्रेश ले लें या फिर आप मार्केट बॉट ले लें, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम राइस वाटर बनाते हैं, जिसके 2 तरीके हैं, आप जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, 2 टेबलस्पून राइस को 1 कप पानी में भिगो दें। ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस दौरान चावल अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ पानी में शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 2 से 3 घंटे एटलीस्ट ज़रूर चावलों को पानी में भिगो के रखें, और भिगोने के बाद चावलों को ड्रेन कर लें और जो पानी आपको मिलेगा वो है राइस वाटर, जो आप अपने शैम्पू में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, 1 पैन में तकरीबन 3 से 4 कप पानी डालें और 2 टेबलस्पून राइस उसमें बॉयल करें। इसमें आपने और कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी, सिर्फ पानी और चावल। जब चावल अच्छी तरह गल जाए और पानी तकरीबन 1 कप बाकी रह जाए तो आप चावलों को ड्रेन कर लें, और जो बाकी पानी आपके पास बचा है ये कहलाता है राइस वाटर या मांड का पानी, और यही राइस वाटर ब्रांडेड शैम्पूज में भी इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट मौजूद है तो आप फ्रेश जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप मार्केट बॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें तो एक दफ़ा उसे ब्लेंड ज़रूर कर लें, ताकि उसके स्मॉल पार्टिकल्स बहुत अच्छी तरह ब्लेंड होकर स्मूथ हो जाएं। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम हर्बल शैम्पू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हाफ बॉटल शैम्पू लेंगे, कोई भी रेगुलर शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसमें आप राइस वाटर शामिल कर दें और कवर बंद करके अच्छी तरह बॉटल को शेक करें। एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाकी जितनी भी बॉटल में खाली जगह है इसमें आप एलोवेरा जेल को शामिल कर दें और कवर करके अच्छे तरीके से बॉटल को शेक करें, ताकि तीनों इंग्रेडिएंट्स यकजान हो जाएं। और हमारा हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। शैम्पू को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप सादे पानी से स्कैल्प और बालों को अच्छी तरह गीला करें और शैम्पू की स्मॉल क्वांटिटी स्कैल्प पर अप्लाई करें, और फिर उंगलियों की मदद से हल्का सा मसाज करें। याद रखिएगा कि इस वक्त आपने सर्कुलर मूवमेंट में मसाज नहीं करना, जस्ट उंगलियों को आगे पीछे करके आपने हल्का सा 1 से 1.5 मिनट का मसाज करना है। मसाज के बाद आप स्कैल्प पे लगे शैम्पू को अपने बालों की लेंथ की तरफ मूव करें और बालों की लेंथ को भी अच्छी तरह वॉश कर लें, और सबसे आखिर में आप सादे पानी से बालों और स्कैल्प को अच्छी तरह शैम्पू से क्लियर कर लें। शैम्पू करने के बाद आप बालों को किसी टॉवल या कपड़े से बिल्कुल भी रब ना कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे और फिर स्प्लिट एंड्स बन सकते हैं। और बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल भी नहीं करना, बल्कि बालों को नेचुरल हवा में खुश्क होने दें, और जब आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो आप बाउंसी, स्मूथ और सॉफ्ट हेयर एक्सपीरियंस करेंगे। आपके बाल इतने मैनेजेबल हो जाएंगे कि आप फिंगर कॉम से भी बालों को टैंगल फ्री कर सकेंगे। मेक श्योर कि अगर आप डेली शैम्पू करते हैं तो आप शैम्पू से पहले ऑयलिंग ज़रूर करें।
तो ये तो थी आज की टिप। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।